हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एडसेंस के बारे में। यहाँ पे दोस्तों बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने वेबसाइट को अप्लाई कर चुके हैं गूगल एडसेंस के लिए, लेकिन दोस्तों वहाँ पे किसी भी तरह का रिप्लाई वगैरह नहीं आ रहा है। किसी का 10 दिन हो गया है, किसी का 20 दिन हो गया है, किसी का 15 दिन हो गया, किसी का 8 दिन हो गया, लेकिन उसको किसी भी तरह का ईमेल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो वो बराबर मुझसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ईमेल के माध्यम से, चाहे वो कॉमेंट के माध्यम से। तो मैं उन लोगों को यहाँ पे जवाब दे रहा हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत अधिक कमेंट और ईमेल आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूं, ताकि दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि आप लोग करेंगे तो करेंगे क्या और आगे आपको क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताते हैं कि इस तरह का आपको प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, आप इससे कैसे बच सकते हैं, और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स भी देंगे अगर आप लोग सोच रहे हैं गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना अपने वेबसाइट के ऊपर। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है इसराइल और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी टिप्स इसराइल। जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ये घंटी के निशान को दबा लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो का लुत्फ़ सबसे पहले उठा लीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम आप लोगों को टिप्स दे देते हैं कि आप अपने वेबसाइट को कैसे बनाएंगे जो गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि कोई भी वेबसाइट क्रिएट करने से पहले आपको एक टॉप लेवल डोमेन लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आप जहाँ पे जाके क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो ब्लॉगर पे हो, चाहे वर्डप्रेस पे हो, जहाँ भी क्रिएट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब बात रही दोस्तों, हमने वेबसाइट क्रिएट कर लिया, डोमेन ले लिया, अब उसमें करना क्या है? अब उसमें दोस्तों आपको 4 पेज क्रिएट करना है, अबाउट का, पॉलिसी एंड प्राइवेसी, कंटेक्ट अस, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 3 पेज आपको यहाँ पे हर हाल में क्रिएट करना है। जब दोस्तों आप लोग इसे क्रिएट कर लीजिएगा, अब बात रही कि हम इसमें पोस्ट कैसे लिखें, क्या लिखें, नहीं लिखें, तो आपको हम बता देते हैं। पोस्ट जो लिखिएगा दोस्तों 100% यूनिक लिखिएगा, और उसमें किसी भी तरह का कहीं से भी गूगल वगैरह से इमेज को उठा के नहीं डालना है, आपको खुद से अपना इमेज बनाना है। और बहुत ऐसी साइट है जहाँ पर रॉयल्टी फ्री इमेज मिलती है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने वेबसाइट को बनाइएगा तो आप आसानी के साथ एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। और जब भी आप अपने वेबसाइट को अप्लाई करें गूगल एडसेंस के लिए, तो आप अपने वेबसाइट के ऊपर कम से कम 12 से 15 पोस्ट जरूर पब्लिश कर लें, और एक पोस्ट कम से कम 700 से 1000 वर्ड का होना चाहिए। उसमें दोस्तों किसी भी तरह का कॉपीराइट इमेज वगैरह को आपको यूज नहीं करना है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको रिप्लाई वगैरह नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, अब आगे वो लोग क्या करेंगे। देखिए होता क्या है कि गूगल एडसेंस को जब हम वहाँ पे अपने वेबसाइट को देते हैं भाई रिव्यू कीजिए, तो गूगल एडसेंस आपको 3 दिन का समय देता है। वहाँ पे दिखता है कि भाई 3 दिन के बाद आपको हम बताएंगे कि आपका वेबसाइट को अप्रूवल दिया गया है या नहीं दिया गया, या दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। देखिए होता क्या है कि गूगल एडसेंस आपके वेबसाइट को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करता है, यानी उसमें देखता है कि आपने जो भी पोस्ट को लिखा है तो वो कैसा पोस्ट है, यूनिक है या नहीं है, उसमें जो इमेज जो आपने डाला है वो कॉपीराइट फ्री है या कॉपीराइट है कि क्या है, नहीं है, उसे आपने खुद से क्रिएट किया है या नहीं किया है, किसी का मान लीजिए कॉपी करके अपने वेबसाइट के ऊपर तो नहीं डाल लिया है। ये एक प्रोसेस होता है, इसमें दोस्तों टाइम लगता है। और कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि अगर आप अपने वेबसाइट के ऊपर अच्छा खासा पोस्ट करके रखे हुए हैं और ट्रैफिक अच्छा खासा आ रहा है, तो आपको क्विकली वहाँ पर रिप्लाई आ जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग कर क्या रहे हैं कि वेबसाइट कम से कम 10 दिन पुराना होना चाहिए। मेरा जो तजुर्बा कहता है वेबसाइट आपको 10 दिन पुराना होना चाहिए। 10 दिन पुराना होने के बाद दोस्तों वहाँ पे आपको 5-6 दिन के बाद रिप्लाई आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा, 2-4 दिन के अंदर वेबसाइट को बिल्ड करना, बिल्ड करने के बाद गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर देना, तो वो कम से कम 10 दिन आपके साइट को रखेगा ही रखेगा, 10 से 12 दिन के बाद आपको वहाँ पर रिप्लाई देगा। लेकिन यहाँ पर किसी किसी को 12 दिन में भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो इसका भी दोस्तों ये कारण है कि आपके साइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रहा है। अब आपको कोशिश करना है अपने साइट के ऊपर ट्रैफिक लाने का। और दोस्तों एक कारण ये भी है कि जो लोग भी यहाँ पे गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किए हुए हैं वो अपने वेबसाइट के ऊपर कंटिन्यू पोस्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करें तो अपने वेबसाइट के ऊपर 1 पोस्ट पर डे करके करते रहें। इस तरह से दोस्तों अगर आप लोग करते हैं तो आपको वहाँ से क्विकली रिप्लाई आ जाएगा। अगर
आपका ओरिजिनल कंटेंट होगा तो आप नाफिक्र होकर बैठे रहें, आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। आपके साइट के ऊपर मान लीजिए हर दिन 50 से 60 या 100 विजिटर अगर आ रहे हैं तो आपको 3 से 4 दिन के अंदर वहाँ से जवाब आ जाएगा, भाई आपके एडसेंस अकाउंट को अप्रूव किया गया है या नहीं किया गया है। अगर दोस्तों मान लीजिए आपके साइट के ऊपर विजिटर नहीं आ रहे हैं तो आपको कम से कम यहाँ पे 10 से 12 दिन वेट करना है। कभी कभी 10 से 12 दिन में भी रिप्लाई नहीं आता है, कभी कभी 15 दिन 20 दिन में भी रिप्लाई आता है, किसी किसी को एक महीने में भी रिप्लाई आता है। लेकिन आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्तों आप लोग सोचे हैं कि भाई लगता है ये गलती हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर दोस्तों थोड़ा सा भी गलती होता कोड को प्लेस करने में तो आपको 24 घंटे के अंदर वहाँ पर बता दिया जाता है, भाई आपने कोड को सही तरीके से प्लेस नहीं किया है, इसलिए हम आपके वेबसाइट को अच्छी तरीके से जाँच नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, कोड को सही तरीके से प्लेस कीजिए। तो बस इतना सा बात आप लोगों को बताना था। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में आप समझ गए हैं कि आपको क्या करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, अपने वेबसाइट को कैसे तैयार करना है। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।